सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में REC शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे 132.70 रुपये है और इस शेयर में आज हमें जो है 3.07% तक के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के थोड़े बहुत यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वन मंथ में जो शेयर है इसने हमें 6.97% तक के रिटर्न्स दिए हैं। साथ ही अगर हम मैक्स में ऑल टाइम की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल टाइम में जो शेयर है इससे हमें 214.68% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथ ही आगे हम इस शेयर के थोड़े बहुत प्रीवियस रिटर्न्स को भी देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शेयर है उसने हमें 5 ईयर्स से लेकर 1 वीक तक पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। यानी कि इस शेयर को अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से इस शेयर के हमें यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बारे में भी बात करेंगे कि इस शेयर में आगे हमें जो है कैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शेयर है वो यहाँ पे लगभग तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच ही चुका है, बस जो शेयर है उसमें यहाँ पर गिरावट होने की वजह से जो प्राइस है यहाँ पर वो थोड़ा नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी अगर जो शेयर है यहाँ पर अगले वीक हमें 1 से 2% तक का भी रिटर्न देता है तो यहाँ पर जो शेयर है वो अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए इस शेयर का जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 141 रुपये के अबव होने वाला है। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से अपने ओन रिस्क में होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इस शेयर को यहाँ पे अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी इस शेयर के आपके जो है बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे।